माने जब आप सत्संग में जाकर के बैठते हैं, भगवान की कथा में बैठते हैं, तो दुनिया प्रभावित नहीं होती, आपको देख करके श्री ठाकुर जी प्रभावित होते हैं कि आप उनकी कथा में बैठ करके उनकी लीलाओं को सुनने आए हैं। तो ये जो भगवान का सत्संग है, ये दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं है, अपितु ये भगवान को प्रभावित करने के लिए हम सुनते हैं। दुनिया प्रभावित होती है आपकी प्रेजेंटेशन देख करके। दुनिया को आपकी इंटेंशन से कोई मतलब नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो दुनिया प्रभावित हो जाएगी। आपके मन के भाव, आपकी इंटेंशंस क्या है, उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं। पर ठाकुर जी एकमात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल हमारी इंटेंशंस देखते हैं, हमारे मन का भाव देखते हैं कि मन से कितना सुंदर है, मन से इसके जीवन में क्या क्या अच्छे अच्छे विचार हैं, क्या क्या भक्ति के विचार हैं। तो भगवान की जो प्रसन्नता है वो भागवत में छुपी हुई है, भागवत के श्लोकों में छुपी हुई, भागवत के सार में छुपी हुई है। भागवत के श्लोक फिर भी आजकल के लोग संस्कृत न बोल पाते, न पढ़ पाते, न सुन पाते। एक ब्रज के महाराज जी थे, वो बेचारे अंगूठा छाप थे, वो कभी कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो रोज भागवत जी लेकर के सुबह एक घंटा बैठे रहते, अपने से सामने रख के भागवत जी का पन्ना खोल करके, तो उसको ऐसे बैठ जाते। अब जिस आदमी ने कुछ नहीं पढ़ा, उसके लिए तो कहावत है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो उसको क्या समझ में आ सकता है। तो गांव के लोगों ने कहा, अरे बाबा जी तोकू तो कछु पढ़वो ना, ब्रजवासी थे तो ब्रजवासी तो ऐसे ही बोलते हैं, तू तड़ाक। बोले बाबा तोकू कछु पढ़वो लिखवो तो आवे ना है। तो पे श्लोक पढ़ने आमे, ब्रज की भाषा है, वो श्लोक नहीं बोल पाते, स्कूल नहीं बोल पाते तो स्कूल बोलते हैं, श्लोक नहीं बोल पाते श्लोक बोलते। तो बोले बाबा तो पे श्लोक श्लोक तो कछु पढ़ने ना आवे, फिर भी तू या भागवत जी खोल के बैठ जाए। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, हमको श्लोक तो नहीं आते, पर श्लोक की चिंता तुम करो, मैं ये भागवत जी श्लोक के लिए नहीं पढ़ता, मैं भागवत जी उस श्लोक के लिए पढ़ता हूँ। माने इसमें लिखा क्या मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे हर एक इसके उस काले अक्षर में मुझे अपना श्याम वर्ण कन्हैया नजर आता, बंसी बजाता, कभी नाचता, कभी गाता। तो ये बहाने जो हम बनाते हैं कि हमें ये भाषा नहीं आती, हमको ये ज्ञान, ये कठिन शब्द, अरे आप भागवत लेकर के बैठो तो सही, भागवत के पन्ने कभी खोलो तो सही। भागवत घर में पड़ी पड़ी बेचारी, उस पर एक एक मीटर की धूल जमा हो गई, कभी उनको खोल के देखो, कभी उनका एकाद अक्षर पढ़ के देखो। अलमारी में घर में ग्रंथ रखने से बुद्धि नहीं बदलेगी। कई लोग कहते ना, घर में महाभारत रखने से झगड़ा हो जाता है, सचमुच हो जाता है, पूछो कैसे। ये महाभारत रखने से झगड़ा होगा, झगड़ा कब नहीं होगा, जब महाभारत खोल के देखोगे तब झगड़ा नहीं होगा, उसको पढ़ोगे, उसकी शिक्षाओं को पढ़ोगे तब झगड़ा नहीं होगा। ऐसे ही रखे रखोगे अलमारी में तो झगड़ा तो नहीं होना है। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्र केवल देखने के लिए या घर की डेकोरेशन के लिए नहीं बने, पढ़ने के लिए बने, उनका अध्ययन करने के लिए बने। और अगर किसी कारण हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो जहाँ कोई सच्चा महापुरुष इन शास्त्रों की वाणियों को बता रहा हो, उनसे सुनिए। क्योंकि ये शास्त्र, ये पुराण कोई युग के लिए नहीं है। कई लोग कहते हैं, अरे ये तो त्रेता द्वापर में ही लोगों के लिए ठीक थे, कलयुग के लोग कहाँ। पुराण हर युगों के लिए उतने ही, कलयुग के लिए पुराण उतने ही सार्थक हैं जितने सतयुग के लिए हैं। और अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो व्यास जी हुए द्वापर युग में,
व्यास जी ने आके पुराणों की रचना की। यानी पुराणों का वर्णन द्वापर युग से शुरू होना चाहिए था, लेकिन जब राम जी त्रेता युग में अपने गुरु जी के गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानही सुनही राम यद्यपि सब जाने। राम जी सब जानते हैं, फिर भी बैठ के सुन रहे हैं, और वशिष्ठ जी क्या सुना रहे हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने। अब त्रेता में पुराण कहां से आ गए, व्यास जी तो द्वापर में आए थे तो द्वापर में पुराण होने चाहिए। बोले नहीं, ये पुराण कभी भी पुराने नहीं होते, ये हर युग में साथ साथ चलते हैं। हर युग में पुराण थे, हर युग में उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, और हर युग के लिए ये उतने ही सार्थक हैं जितने सतयुग के लिए।